टीवी तोड़ आईपीएल। आईपीएल के मैचेस शुरू हो गए थे। पापा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। मम्मी भी जल्दी जल्दी काम निपटा के पापा के साथ टीवी के सामने आईपीएल देखने बैठ जाती है। दोनों ने अपनी अपनी टीम चुन ली थी और पापा मम्मी दोनों एक दूसरे के छक्के छुड़ाने में लगे थे। देखा कैसे धो रही है मेरी टीम तुम्हारी टीम को। अजय छोड़िए, टॉस जीत गए तो कुछ भी बोलोगे क्या? अभी हमारी बल्लेबाजी बाकी है। देखते हैं देखते हैं, वैसे तो पिछली बार भी तुम यही कह रही थी। गट्टू और चिंकी परेशान थे क्योंकि आईपीएल की वजह से ना तो मम्मी पापा दोनों की तरफ ध्यान दे पा रहे थे और ना ही दोनों को अपना मनपसंद कार्टून देखने दे रहे थे। पापा कार्टून लगाओ ना। अरे क्या हर वक्त कार्टून कार्टून कार्टून, मैच देखो मैच देखो, कैसे धो रहे हैं एक दूसरे को। पापा हमें आईपीएल समझ नहीं आता। समझ नहीं आता तो जाकर खेलो जाओ, हमें मैच देखने दो। पापा मम्मी का यह बर्ताव देखकर गट्टू और चिंकी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो ये आईपीएल बंद करवा के ही रहूँगा, आईपीएल ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गुस्सा ना होइए भैया, चलो हम कुछ खेलते हैं। पर खेलने के लिए क्या है हमारे पास, नए खिलौने भी तो कोई लाकर नहीं देता। बैट और बॉल तो है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का नाम सुनकर गट्टू का खून खौल जाता है। अरे पूरी दुनिया में बस यही खेल बचा है क्या? लाओ बैट और बॉल लेकर आओ, अब मैं ऐसा खेलूंगा कि एक दिन पापा मम्मी मुझे टीवी पर देखेंगे। चिंकी बैट और बॉल लेकर आती है। गट्टू गुस्से से बैट पकड़ता है और पोजीशन लेता है। चिंकी बॉलिंग करती है। ये आया पहला बॉल, ये उठाया बल्ला और छक्का। ऐसा कहकर गट्टू बैट घुमाता है पर सच में छक्का छूट जाता है। बॉल हवा की रफ्तार से बैट को छूकर गायब हो जाती है और शीशा टूटने की जोरदार आवाज आती है। चिंकी के साथ साथ गट्टू के भी होश उड़ जाते हैं। भागते भागते दोनों हॉल में आकर देखते हैं तो टीवी जमीन पर बिखरा पड़ा है और पापा मम्मी भी हैरान खड़े हैं। यह देखकर गट्टू की तो हवा निकल जाती है। पापा मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो सिक्सर मारने के चक्कर में। भैया आप टीवी पर दिखने वाले थे पर आपने तो टीवी ही देखने लायक नहीं छोड़ा। गट्टू बुरी तरह कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे मार पड़ने वाली है। वो मार खाने के लिए मन तैयार करता है तभी पापा एकदम से गरज पड़ते हैं। सचिन, अरे सचिन। नहीं, मेरा बेटा तो कोहली बनेगा, विराट कोहली। यह सुनकर गट्टू और चिंकी हैरान रह जाते हैं। वाह गट्टू वाह, तूने तो दिखा दिया कि तू मेरा बेटा है। अरे बचपन में मैं लोगों की खिड़कियां तोड़ता था, तूने तो टीवी ही तोड़ दिया। वाह क्या शॉट मारा होगा। पापा आप गुस्सा नहीं हो? अरे बेटा मुझे तो गर्व है कि मेरे घर सचिन पैदा हुआ है। और चिंकी क्या बॉलिंग करती है तू, तुम दोनों आगे क्रिकेटर ही बनना। तो फिर चलो एक मैच हो जाए। वैसे भी आईपीएल देखते देखते बोर हो गई थी, बकवास खेलते हैं, उनसे अच्छा तो हमारे बच्चे खेलते हैं। गट्टू और चिंकी कुछ समझ पाए इससे पहले पापा और मम्मी दोनों को ग्राउंड पर खींच लाते हैं। दो टीम बनेगी, मैं और गट्टू, चिंकी और मैं। डन डन, टॉस करें। सिक्का हवा में उछाला जाता है। मम्मी और चिंकी टॉस जीतते हैं। मम्मी बल्ला संभालती है, पापा बॉलिंग करते हैं और गट्टू फील्डिंग करने लगता है। पापा बॉल मम्मी की तरफ फेंकते हैं, मम्मी बल्ला उठाती है और हवा में घुमाती है। बल्ला हवा में ही रह जाता है और पापा के बॉल से मम्मी क्लीन बॉल्ड हो जाती है। आउट, या! चिंकी बैटिंग करने लगती है, पापा बॉल फेंकते हैं, चिंकी बैट घुमाकर चौका मारती है और गट्टू कैच पकड़ लेता है। आउट। इस प्रकार मम्मी और चिंकी की टीम जीरो रन बनाकर आउट हो जाती है। इधर सारा मोहल्ला टीवी छोड़कर यह मैच देखने ग्राउंड पर भागता है। ग्राउंड दर्शकों से भर जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए हाथ में बैट लेकर गट्टू मैदान में उतरता है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। गट्टू हवा में बैट उठाता है तो लोग शोर मचाने लगते हैं।
गट्टू। चारों ओर सिर्फ गट्टू ही गट्टू छाया था। गट्टू पोजीशन लेता है, मम्मी बॉल फेंकती है, गट्टू बैट हवा में घुमाता है और सामने आए हुए बॉल को हवा में उछालता है। बॉल सीधा जाता है और शर्मा जी की खिड़की चकना चूर हो जाती है। कोई बात नहीं, खेलो बेटा, अपने मोहल्ले का सचिन है तू। इस प्रकार सामने से आई हर बॉल को गट्टू हवा चखा देता है, चौके और छक्के मार मार कर सबके छक्के छुड़ा देता है और इस प्रकार गट्टू अकेला ही पापा को मैच जितवा देता है। पापा गट्टू को कंधे पर उठा लेते हैं, सारा मोहल्ला नाचने लगता है और चीखने लगता है, गट्टू उठ जा, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कब तक सोता रहेगा। और तभी गट्टू एकदम नींद से जाग जाता है। मम्मी अपना टीवी तो ठीक है ना? ठीक है, टीवी को क्या हो सकता है? पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। अरे यार, लगता है मैं तो सपना देख रहा था। कैसा सपना, मुझे भी तो बताओ। गट्टू 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 चुपचाप बाथरूम चला जाता है। मम्मी को कोई जवाब नहीं देता। देता भी कैसे, उसने सपना ही कुछ ऐसा देखा था जो सपने में भी नहीं हो सकता था। टिकटॉकर गट्टू पापा गट्टू को आवाज लगाते हैं। गट्टू इधर आओ। गट्टू आता है। क्या बात है पापा? मेरे मोबाइल में टिकटॉक तुमने इंस्टॉल किया? इतने में चिंकी आती है और पापा से कहती है। हाँ पापा, भैया टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके तो 2 मिलियन फॉलोअर बन चुके हैं। सॉरी पापा, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगे। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, अपनी कला का प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं होती, बस ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। खैर चलो, जरा दिखाओ कौन कौन सी वीडियो बनाते हो तुम। आप सच में देखना चाहते हो तो आप मोबाइल पकड़िए, मैं एक्ट करता हूँ। पापा टिकटॉक शुरू करते हैं और गट्टू का वीडियो शूट करते हैं। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। और इस प्रकार गट्टू का वीडियो बन जाता है। अब ये वीडियो एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, फिर देखना कमाल। और गट्टू वीडियो एडिट करके अपलोड करता है। देखिए पापा, वीडियो अपलोड होते ही लाइक्स और कमेंट्स आना शुरू हो गए। 1 मिनट में 450 व्यूज आए हैं, शाम तक 1.5 लाख व्यूज आ ही जाएंगे। फिर क्या था, गट्टू रोज सुबह शाम दिन रात वीडियोस बनाने लगा और टिकटॉक पर अपलोड करने लगा। थोड़े ही दिनों में गट्टू को टिकटॉक की आदत लग गई और वो खाना पीना भी भूल गया। गट्टू चलो टिफिन तैयार है, फटाफट नाश्ता कर लो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 1 मिनट में आया। अरे भाई गट्टू, मेरा मोबाइल दे दो, ऑफिस निकलना है मुझे। बस पापा 1 मिनट। लगता है तुम्हें टिकटॉक की बुरी आदत लग चुकी है, मोबाइल दे दो और नाश्ता करो, जाओ। गट्टू पापा को मोबाइल दे तो देता है पर परेशान हो जाता है। गट्टू स्कूल आता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे फिर भी उसका ध्यान कहीं और था। तब उसका दोस्त हरी दबी आवाज में पूछता है। क्या हुआ गट्टू? अरे यार, मेरे फॉलोअर तो काफी बढ़ गए हैं पर व्यूज ही नहीं बढ़ रहे, कल सिर्फ 50,000 व्यूज थे। तू टिकटॉक पर पोएम्स के वीडियोस डालेगा तो खाक व्यूज बढ़ेंगे, मेरी तरह सिनेमा के डायलॉग डालना शुरू कर, मेरे तो 2 मिलियन व्यूज आते हैं। क्या कह रहा है यार, मुझे भी वही करना होगा। गट्टू और हरी को बातें करते हुए टीचर देख लेते हैं और दोनों को क्लास से भगा देते हैं। ओए टिकटॉकर्स, आउट ऑफ माय क्लास। गट्टू और हरी क्लास के बाहर जाते हैं। रात को खाना खाते वक्त पापा पूछते हैं, ये गट्टू कहाँ है? वो वीडियो बना रहा है, खाना भी नहीं खाता और पढ़ाई भी नहीं करता। पापा आज तो भैया को टीचर ने क्लास से निकाल दिया, क्लास में भी वो बस टिकटॉक की बातें करते हैं। रुको मैं जाकर देखता हूँ। गट्टू सिनेमा का डायलॉग शुरू कर रहा था। मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तभी पापा आते हैं। गट्टू
चलो खाना खा लो। बस एक मिनट पापा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? गट्टू पापा के कहने पर खाना खाने चला आता है। दूसरे दिन संडे था। गट्टू सोचता है, आज तो छुट्टी है, आज कम से कम 4 वीडियो बनाऊंगा, अब तो व्यूज भी बढ़ गए हैं। गट्टू चार्जिंग पर लगा पापा का मोबाइल उठा लेता है और टिकटॉक खोलता है, पर टिकटॉक खुलता ही नहीं। ये क्या हो गया, पापा ने मेरा अकाउंट डिलीट तो नहीं किया? गट्टू हॉल में आकर पापा से पूछता है, पापा आपने मेरा टिकटॉक का अकाउंट डिलीट किया क्या? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का अकाउंट डिलीट हो गया है आज। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने न्यूज नहीं देखी? सरकार ने टिकटॉक और बाकी बहुत सारे चीनी ऐप्स बैन कर दिए हैं। चलो अच्छा ही हुआ जान छूटी। ये क्या कर दिया सरकार ने, मेरे 8 मिलियन फॉलोअर बन गए थे, व्यूज भी काफी बढ़ गए थे, अब टिकटॉक के बिना मैं कैसे जीऊंगा? पागल मत बनो गट्टू, कलाकार किसी भी माध्यम का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तुम अच्छे कलाकार हो ये बात मैं जान गया हूँ, पर तुम टिकटॉक के गुलाम ना बनो। सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए अपनी कला सीमित ना रखो, नहीं तो तुम कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। तो फिर मैं क्या करूँ पापा? ये उम्र पढ़ने की है, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। स्कूल में जो कॉम्पिटिशन होती है वहाँ अपना कला प्रदर्शन करो, वहाँ तुम्हें सच्चे दर्शक और फॉलोवर मिलेंगे। टिकटॉक तो बस माया जाल है। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और बड़ा कलाकार बनूंगा, अपने सच्चे दर्शक और फॉलोअर्स तक पहुँचने का रास्ता खुद निर्माण करूँगा। और इस प्रकार टिकटॉकर गट्टू का टिकटॉक का भूत उतर जाता है।